सड़क दुर्घटना के आंकड़े भयावह होते हैं, ये डराने वाले होते हैं। ऐसे समय में भी जब महामारी की वजह से पूरा देश ठप पड़ गया था, काम धंधा सब चौपट था, लोगों को घरों से निकलने की भी इजाजत नहीं थी, ऐसे में भी साल 2020 में एक्सप्रेसवे समेत सभी नेशनल हाईवे पर कुल 116,496 सड़क हादसे हुए। 1,25,000 से ज्यादा हादसों में 47,984 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने पिछले साल संसद में जब ये आंकड़े रखे थे उससे लोगों की रूह कांप गई थी। एक बार को तो विश्वास ही नहीं हुआ था कि जब पूरा देश बंद था, पूरा देश महामारी के दौर से गुजर रहा था, ऐसे वक्त में सड़क हादसों की संख्या इतनी ज्यादा कैसे। इस पर गंभीरता से विचार किया गया और अब अगले महीने से सरकार सड़क हादसों की गंभीरता से जांच कराने का मन बना चुकी है। उम्मीद है कि नई व्यवस्था जो कि 1 अप्रैल 2022 से लागू होने वाली है उससे स्थिति में बदलाव होगा। भारत सरकार 1 अप्रैल से सभी सड़क हादसों की पुलिस जाँच अनिवार्य करने जा रही है। 1 अप्रैल से व्यवस्था कुछ ऐसी होगी कि पुलिस को 48 घंटों के अंदर ही मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल्स को और बीमा कंपनियों को हादसे की जानकारी देनी होगी। बीमा प्रमाण पत्रों में वैध मोबाइल नंबर को भी 1 अप्रैल से जरूरी करने जा रही है भारत की मोदी सरकार। ग्राफिकली आंकड़ों पर नजर डालें तो साल 2020 में 116,496 सड़क दुर्घटनाएं हुई जिसमें से 47,984 लोगों की जान चली गई। वहीं साल 2019 में 137,191 सड़क दुर्घटनाएं हुई जिनमें से 53,872 लोगों की जान चली गई। सरकार सड़क हादसों को लेकर जो नियम तय करने जा रही है उनके मुताबिक सरकार सड़क हादसों के मामलों के निपटारे और मुआवजों के भुगतान में तेजी लाना चाहती है। सड़क हादसों की जांच अब अनिवार्य की जा रही है। सरकार ने जांच के लिए समय सीमा भी तय की है। पुलिस को मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल्स के सामने 50 दिन के अंदर अंतरिम जांच रिपोर्ट सौंपनी होगी। हादसे की जांच पूरी करने के लिए पुलिस के पास 3 महीने का वक्त होगा। अब आपको बताते हैं कि भारत में सड़क हादसों के मामले में 1 अप्रैल से क्या क्या बदल जाएगा। पुलिस को हादसे की जगह पर जाकर सबूत जुटाने होंगे। क्लेम ट्रिब्यूनल को 48 घंटे में इन्फॉर्म करना होगा। इंश्योरेंस कंपनी की पॉलिसी की डिटेल्स देनी होगी। जांच अधिकारी 10 दिन के अंदर पीड़ित या कानूनी प्रतिनिधियों को अधिकार देंगे। अस्पताल 15 दिन के अंदर मेडिको लीगल मैनुअल और पोस्टमार्टम रिपोर्ट देंगे। ड्राइवर और व्हीकल ओनर की जानकारी 30 दिन के भीतर देनी होगी। आयोग 50 दिन के भीतर अंतरिम जांच रिपोर्ट दाखिल करेंगे। 60 दिनों के अंदर आपराधिक जांच पूरी हो जानी चाहिए। ट्रिब्यूनल के सामने जांच अधिकारी अपनी रिपोर्ट हादसे के 90 दिन के भीतर पेश करेंगे। केंद्र ने इन नए नियमों को लेकर जो नोटिफिकेशन जारी किया है उसके अनुसार पुलिस पीड़ितों या उनके कानूनी प्रतिनिधियों को उनके अधिकारों और दावों के बारे में अनिवार्य रूप से बताएगी। सरकार ने दिल्ली हाईकोर्ट के उस आदेश के बाद ये बदलाव किए हैं जिसमें अदालत ने केंद्र से दिल्ली में पहले से लागू मॉडल अपनाने के लिए कहा था। राजधानी में इससे मुआवजों के निपटारों में काफी तेजी देखने को मिली है। जल्द ही इससे जुड़ा एक और नियम लागू हो सकता है, वो ये कि गाड़ियों की विंडस्क्रीन पर एक और स्टिकर लगाना पड़ सकता है। ये स्टिकर होगा व्हीकल के फिटनेस स्टेटस का। सड़क यातायात एवं राजमार्ग मंत्रालय ने प्रस्ताव दिया है जिससे एक्सपायर्ड फिटनेस टेस्ट सर्टिफिकेट वाली गाड़ियों को पकड़ने में आसानी होगी। फिलहाल सभी चार पहिया या उससे ऊपर के वाहनों पर फास्टैग लगाना जरूरी है। दिल्ली में वाहनों पर कलर कोडेड स्टिकर्स भी लगाने पड़ते हैं। तो कुल मिलाकर अब सड़क हादसों में कमी लाने के लिए कई यातायात नियमों में बदलाव आने वाले हैं। भारत सरकार बहुत से ऐसे नियम बनाने जा रही है जिससे ना ही आप कोताही बरतेंगे और ना ही लोग सड़क हादसों के शिकार होंगे। वैसे आप भारत सरकार की इस पहल को लेकर क्या कहना चाहते हैं, अपनी राय हमें जरूर बताएं।